ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी किया दैट इज अबाउट द मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर दैट इज द एंथर स्टेमेन एज अ होल स्टेमेन कहते हैं उसको. एंथर था और साथ में था फिलामेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किया जिसके अंदर दो मेल गैमेट्स बनेंगे. उसमें कोई डाउट है कैसे वो मेल गैमेट्स बने थे पॉलन ग्रेन में? ईच पॉलन ग्रेन कैरीज टू मेल गैमेट्स. ठीक है, सो दिस लिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिंक की कंसेप्ट हम लोगों ने शायद करी या नहीं, देख लो एक बार, मैं रिपीट कर रही हूँ. ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी से दैट वन माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस की लिंकिंग है. इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा. ठीक है, वन माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर सिग्निफाइज व्हाट? माइक्रोस्पोर सिग्निफाइज अ मदर सेल ऑफ मेल गेमीट. माइक्रोस्पोर टर्म जो होती है वो मेल गेमीट के साथ जुड़ती है. मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमीट के साथ जुड़ती है. डन? ठीक है, अब वन माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड रिजल्ट्स इनटू द फोर पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, ये याद रखना इसका लिंकिंग. वन माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस फॉर्मिंग फोर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, एक सेल से चार मिल रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर, ईच पॉलन ग्रेन हैज हाउ मेनी मेल गैमेट्स? टू मेल गैमेट्स. ठीक है, इट हैज टू ऑफ द मेल गैमेट्स. ईच पॉलन ग्रेन हैज टू मेल गैमेट्स. इसको याद रख लो पूरी तरह से. ठीक है, अब क्वेश्चन है, सपोज आई से इफ 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर देयर, हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड? 400. ठीक है, सिंपल. इफ 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर देयर, 400 पॉलन ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड. इफ आई से 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर देयर, हाउ मेनी मेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड? 800. व्हाई? दैट इज वन मेगास्पोर मदर सेल इज फोर पॉलन ग्रेन्स, ईच पॉलन ग्रेन इज टू मेल गैमेट्स, मींस 4 to the 8. सो इफ 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, then 800 male gametes. Supposing if 100 male gametes have been produced, a total of 100 male gametes have been produced, how many pollen grains were involved? 50. How many microspore mother cells were involved? Points mein kyun aayega? 100 male gametes hain, bane hain 50 pollen grains se. Haan, decimals mein hoga. Haan, theek hai, theek hai. ठीक है, सो दिस इज ऑन एन एवरेज. आपको इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं बोथ वेज. इट कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस और दिस टू बैक. माइक्रोस्पोर मदर सेल, इवन वी कैन आस्क अ क्वेश्चन लाइक अ टिपिकल क्वेश्चन, और थोड़ा मुश्किल कर देते हैं हम लोग. आई से 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल पॉलन सैक ऑफ अ बाइलोब्ड एंथर, हाउ मेनी मेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड? हाँ जी, 100 microspore mother cells are produced in a bilobed anthers, one sac. Anji Tanya, how many male gametes will be produced? 800. 800 is the answer from Tanya. Anji, aap batao sab log. 400 male gametes I'm asking. Why 200? 1000. Sabke answers different. Chalo, main batati hu. मैंने बोला 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन अ बाइलोब्ड एंथर्स वन पॉलन सैक. ऑलरेडी हमें पता है कि बाइलोब्ड एंथर की पॉलन सैक कितनी होती है. एक पॉलन सैक के अंदर कितने मेल गैमेट्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं? 100. कितनी होती है टोटल पॉलन सैक? 4. बाइलोब्ड एंथर में 4 पॉलन सैक होती है. 4 पॉलन सैक में कितने बन गए? 4 × 100 दैट इज 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना? 400 microspore mother cell. Now each microspore mother cell giving rise to 8 pollen grains. हम कह सकते हैं ना 4 of pollen grains and then 8 of the male gametes. ठीक है, तो अब यहाँ पे 400 × 8 आप सीधा करोगे तो 1 microspore mother cell that gives rise to the 4 × 2 male gametes and 400 will give rise to 400 × 4 × 2. What is it? 3200. हाँ वही. हाँ, क्वेश्चन वॉज इफ 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन पॉलन सैक,
if 100 microspore mother cells are produced in one pollen sac of a bilobed anther, yeah, bithycus anther, aapko jis tarah se bhi bolenge, theek hai, of a bilobed anther or a bithycus anther, then what is the number of male gametes produced? What is the number of the total male gametes produced? ठीक है, कंसेप्ट से चलाना है, हमने अपने मर्जी से नहीं कुछ भी बोल देना 1000 male gametes और 800 male gametes, है ना? By what logic we were saying 1000, 400, 800? कोई लॉजिक भी तो हो, लॉजिक इज दिस वन, इज इट करेक्ट? ओके, दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन एनी हाउस, मतलब किसी भी तरीके से मिल सकता है. अब मैं बोलूं कि अगर एक पॉलन सैक में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है से और ये मोनोथिकस एंथर है, मतलब उसके अंदर तो दो पॉलन सैक होंगे, तो ये नंबर हाफ हो गया, यानी कि 1600 है, है ना? तो ये कंसेप्ट है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है. आपने रट्टा नहीं मारना कहीं पे भी, नो क्राइमिंग इज रिक्वायर्ड, ओनली दिस कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड. ओके, एंड द कंसेप्ट ऑफ द डायग्राम्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर कैरिंग द pollen sac and hence pollen grains, each pollen grain carrying the two male gametes. Done? Okay. Now continuing the second, आप लोग को मैंने heading दिया था यहाँ पे. The heading was the number, sorry, the structure of the gamete producing organ, है ना? हमने यही heading दिया था इसके पहले, ठीक है? So the structure of gamete producing organ में second structure हमारे पास आता है. Organ is ovary, but the female gamete, that is egg cell, is not directly carried in an ovary, it is carried within a ovule. ठीक है, so हम ovary के अंदर ovule का structure पढ़ने लगे हैं. That which is, we are not going to study the structure of ovary here. What we are going to study is the ovule's structure. ठीक है, so this is the structure of ovule. क्योंकि female gamete कहाँ है? हाँ, ये gamete formation. ठीक है, अभी हमने यही तो किया ना, पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स बने, ये गैमेट फॉर्मेशन है. ठीक है, आपको फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन कुछ कुछ बार पूछे गए हैं, इसलिए आपसे बताया जा रहा है. ठीक है, सारे स्टेप्स नहीं करने हमने. ओके, ऑव्यूल स्ट्रक्चर. सो ऑव्यूल्स जो है, दे आर बेसिकली ऑफ सिक्स स्ट्रक्चर्स आर देयर फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. छह अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, पर आप लोगों को इतने ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, तो मैं आपको दो सिंपल वाले करवा रही हूँ. इवन द वन विच इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड एंड सेकेंड विच इज सेकेंड टू द कॉमनली फाउंड. ठीक है, तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हम कर रहे हैं. पहला जो मैं करवाने लगी हूँ, ये बहुत आसान है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, नाम नहीं याद करो, आपको बनाने में जो भी आसान लगेगा वो बना सकते हो, इसलिए मैं दो तरह के करवा रही हूँ. ठीक है, ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है. ओव्यूल्स के लिए वी हैव the first thing is the orthotropous ovule, it is the straight ovule, means नीचे placenta है, फिर stalk है, फिर ovule का पूरा structure. ठीक है, तो means क्या है, ये सारा एक ही line में available है. ठीक है, ovule का पूरा structure, उसकी stalk और नीचे placenta, ये सब कुछ एक line में available है. कैसे, मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो, इसको बड़ा बड़ा structure बनाना. This is the embryo sac which carries the egg cell. ओवल स्ट्रक्चर, थोड़ी जगह छोड़ देना, दो तीन लाइंस, दो लाइंस. ठीक है, उसके बाद दिस इज एन ओवल स्ट्रक्चर, दैट इज एन एम्ब्रियो सैक. ओके, एम्ब्रियो सैक एक्चुअली कैरीज द फीमेल गैमेट. अराउंड दिस एम्ब्रियो सैक, अब सीड, आपको स्ट्रक्चर पता है, आप लोगों ने छोटे होते पढ़ा होगा सीड का स्ट्रक्चर. सीड कंटेन्स द सीड कोट इन साइड द एम्ब्रियो कॉटिलिडन्स, है ना? सीड कोट कौन कौन सी होती थी? टेस्टा टेगमेन, है ना? तो वो टेस्टा टेगमेन कहाँ से आती है? ओव्यूल की ही एम्ब्रियो सैक की आउटर कोटिंग्स से. ठीक है, तो इसके बाद दो कोटिंग्स होती हैं, एक कोटिंग दैट इज ऑफ द इनर इंटेगमेन. आपने जब ये बनानी है, इसको हाफ ऑफ प्रोड्यूस करना है और ऊपर एक माइक्रोपाइल ओपन रखना है, यानी एक कोर ओपन रखना है. ठीक है, बोथ साइड्स यू प्रोड्यूस दिस लाइन, that is the inner integument, labeling में करवाती हूँ. Then again the outer integument, outer integument जो है वो continue करेगा with the stalk of the ovule, जिसने इसको placenta से जोड़ना है.
ठीक है, इजी, दिस इज द ओव्यू, राइट. विद इन दिस देयर इज एन एम्ब्रियो सैक इटसेल्फ. अब ये पूरा टिश्यू था जहां पे एम्ब्रियो सैक अवेलेबल होगी, तो एम्ब्रियो सैक एक और ओवल इसके अंदर अंदर बना दो. दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ओके. एम्ब्रियो सैक ये अंदर वाला ओवल है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, ठीक है. हैव यू क्रिएटेड, हैव यू मेड टिल दिस, राइना आप उधर बैठ जाओ, नहीं दिख रहा, उधर चलो. हाँ जी बेटा, ये बन गया, इतना ड्रॉ किया, ठीक है. सो दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर फर्स्टली. नाउ कमिंग टू द मेन स्ट्रक्चर, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, दैट इज टू स्टडी द फीमेल गैमेट. वेयर इट इज द फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट नियर द ओपनिंग. ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है. ये ओपनिंग है, नेचुरल ओपनिंग है. इस तरफ एक बड़ा सारा सेल पड़ा होता है जिसको बोलते हैं एग सेल, ठीक है. इट्स द लार्जेस्ट अमंग द ग्रुप. सो दिस इज अ एग सेल टुवर्ड्स एग्जैक्टली द माइक्रोपाइल, ठीक है. इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 cells और 8 nucleus प्रेजेंट है. ऐसे कैसे हो सकता है 7 cells 8 nucleus? मतलब एक कोई सेल होगा जिसके अंदर 2 nucleus होंगे, यही होगी ना बात, ठीक है. सो दिस इज अ 7 celled 8 nucleated स्ट्रक्चर. सो दिस इज द एग सेल फर्स्ट, राइट, विद इट्स न्यूक्लियस, 1 nucleus. दो इसके बाहर सराउंडिंग सेल्स हैं जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स. लेबलिंग मैं करवाती हूँ, पहले बना लो, ठीक है. तो ये दो सराउंडिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द एग सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ठीक है. एग वाला सारा कुछ दैट इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइल. डन. नाउ ऑपोजिट एंड पे 3 similar cells सेम साइज, सिमिलर, 3 in number. सो 3 cells आर प्रेजेंट, दीज आर एंटीपोडल्स, ओके. एंड इन द मिडल देयर इज अ सिंगल सेल विथ 2 nuclei. हो गया ना 7 celled 8 nucleated structure of an embryo sac. Done. So this is a very simple structure of an ovule. Very very simple. अब ये मैंने क्यों करवाया आपको, क्योंकि आगे जो next topic है हमारा, that is of double fertilization. उसमें आप चाहो तो ये बना सकते हो, आसान है, ठीक है. चाहो तो आप दूसरा जो मैं अभी बनाऊंगी, typical, थोड़ा सा difficult है, वो बना सकते हो, ठीक है, okay. ये structure आसान है, हमें तो mainly ovule show करना है. So this is now start the labeling of this. This is the outer integument. Outer integument. Then the inner integument. This is inner integument. Integuments ka kaam kya hai? These will be, after their development, they will be forming the सीड कोट्स, टेस्टाइन टेगमेंट, ठीक है. सीड कोट्स बनेंगी इंटेग्यूमेंट्स से. देन दिस इज द एग सेल. एग सेल इज एक्चुअली द फीमेल गैमेट. दिस एक्ट्स एज अ फीमेल गैमेट. अब एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 male gametes थे, लेकिन एक ओव्यूल के अंदर एक ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट, ठीक है. एक ओव्यूल के अंदर एक ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, सिर्फ एक है. पॉलन ग्रेन के अंदर 2 male gametes थे, पर एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ एक एग सेल है या फीमेल गैमेट है. देन दीज टू एट द साइड दे आर द टू सिनर्जिड्स. व्हाट इज द स्पेलिंग? साइनर्जिड, ओके. दीज आर द टू सिनर्जिड्स. डन. नेक्स्ट इज दिस सेल. This is called as a polar cell, or we also call it as a central cell. So this is a polar cell, or we call it as a central cell, having the 2 nuclei, दो different nucleus, जिनका नाम है polar nucleus या central nucleus, ठीक है. Polar nucleus और central nucleus. Done. Now these are called as antipodal cells. ये तीनों क्या हैं?
एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारे सेवन सेल्स, ये सब कुछ कैरिड है ना, इंटेग्यूमेंट्स के अलावा ये सब कुछ यहाँ पे कैरिड है, यानी ये वाला ओवल, दिस इनर वन ओवल है ना, दिस ओवल एज अ होल, दिस इज कॉल्ड एज, ये अंदर वाला ओवल, दिस इज कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो सैक, वी कॉल इट एज एन एम्ब्रियो सैक बिकॉज दिस इज द वन विच इज गोइंग टू कैरी द एम्ब्रियो, फ्यूचर एम्ब्रियो यहाँ पे होगा, ठीक है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट नेम है एम्ब्रियो सैक। डन, ओके। फर्दर द स्ट्रक्चर दैट इज दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग बनी है, ओपनिंग है ना, ब्लैक ग्राम्स में बहुत ज्यादा क्लियरली ये ओपनिंग नजर आती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा काले चने में एक छेद हुआ पड़ा होता है, देखा कभी उसका जो ऐसे पॉइंटेड एंड सा होता है उसके ऊपर एक छेद भी होता है, तो दैट इज अ माइक्रोपाइल, एक्चुअल माइक्रोपाइल, ठीक है, जो इनिशियली ओव्यूल के समय पे इस तरह के स्ट्रक्चर में माइक्रोपाइल होती थी, तो जर्मिनेशन में भी वो भी माइक्रोपाइल ही रह जाती है, ठीक है, सो सीड को भी वो हेल्प करती रहती है, सो दिस इज वॉट, दिस इज अ माइक्रोपाइल, दिस इज अ माइक्रोपाइल, इसीलिए हम ओव्यूल की इस स्ट्रक्चर, इस साइड को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर साइड, यहां हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर वाली साइड जिधर माइक्रोपाइल है, ऊपर नहीं जरूरी, जिधर भी माइक्रोपाइल है हम उस साइड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। डन, और उसका ऑपोजिट एंड बन जाता है चलाजल एंड, वैसे इतने नेम्स याद नहीं करने हैं, जितने इजीली याद होते हैं वो कर लेना, दिस इज कॉल्ड एज चलाजल एंड, ठीक है, चलाजल एंड इज ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, अपर एंड इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस एंड इज चलाजल एंड, CHALAZAL, ये ऑपोजिट एंड, मतलब इस तरफ की अगर आपको बात करनी है, जैसे कहते हैं ना कि एंटीपोडल्स कहाँ हैं, तो हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजल एंड, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल आंसर लगता है, ठीक है, और वी कैन सिंपली से दे आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू द साइड ऑफ द एग सेल विद इन द एम्ब्रियो सेल, ओके, डन, कहाँ, सिनर्जिड, एस वाई, ये जो इसके सपोर्टिंग सेल है, सिनर्जिड और एंटीपोडल्स करते क्या है, एग सेल का तो काम पता चल गया, इसने फर्टिलाइजेशन देना है मेल गेमिट के साथ, इसी ने जायगोट बनाना है, इसी ने एम्ब्रियो बनाना, ठीक है, तो ये तो मेन है फीमेल गेमिट, अब पोलर सेल उसकी सिग्निफिकेंस मैं आगे करवाऊंगी, फिलहाल सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स ये क्या करते हैं, ये जो आपको साइड पे मैंने खाली जगह दी है यहाँ पे, ये एक पूरा टिश्यू है, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट टिश्यू जो इसको सराउंड कर रहा है एम्ब्रियो सैक को, अब हमारा एग सेल जो है यहाँ पे, ये एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसने जायगोट बनाना, एम्ब्रियो बनाना, आगे पूरा प्लांट बनाना है ना, तो वहां पे इस एग सेल को नरिशमेंट चाहिए, डेवलपिंग स्टेजेस पे नरिशमेंट चाहिए होती है ना, तो ये नरिशमेंट चाहिए कहाँ से मिलेगी, ये सराउंडिंग टिश्यूज से, ठीक है, इन सराउंडिंग टिश्यूज से, राइट, अब वो टिश्यूज से लेके भी कौन आएगा, ये एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स, एक्चुअली ये कहीं जाते नहीं है यहां से निकल के, सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो उन टिश्यूज के बीच में फिक्स हो जाते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया ऐसा, तो वहां से नरिशमेंट लेते रहेंगे और ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे एक्सेल, ठीक है, सो बेसिकली सिंपली यू कैन से सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स आर टू हेल्प इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द एक्सेल, डन, इज दिस क्लियर, ठीक है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ द ओव्यूल विच इज नॉट मोस्टली फाउंड इन द प्लांट्स, इट्स सेकंड टू द फाउंड इन द प्लांट्स, यू कैन से, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं ओव्यूल्स वो इस स्ट्रक्चर के, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ अब उसका शेप चेंज हो जाएगा, अब हमने नेक्स्ट करना है, ये तो हो गया हमारे पास, फर्स्ट हो गया गेमीट स्ट्रक्चर, गेमीट कैरिंग स्ट्रक्चर, एक पड़ा पॉलन ग्रेन, दूसरा पड़ा हमने ओव्यूल, डन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टू एनीवन, Have you made this? Shall I erase this? Okay. So next is, अभी तक तो जो हुआ gamete formation हुआ, ठीक है, पहला step हमारा, अब next आता है gamete transfer. अब gamete transfer भी होगा, जो ovule है, egg cell है, ये बीच में से निकल के नहीं जा सकता, it is immotile, ठीक है, it can't go anywhere, घूम नहीं सकता, it is stable within the structure of an ovule. तो अब क्या होगा, The male gamete has to be transferred to the further female gamete.
मेल गैमीट को ट्रांसफर होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर द गैमीट ट्रांसफर देयर इज अ बायोलॉजिकल प्रोसीजर और अ प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या बताया मैंने, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट्स। कहां से निकलेंगे मेल गैमीट्स, कहां से निकलेंगे? डेफिनेशन है इसका ये सारा, इट इज द ट्रांसफर। ये समझानी भी है मैंने आपको, इसको लिख भी लो और समझ भी लो। पहली चीज, पॉलिनेशन है क्या? इट्स अ ट्रांसफर। किसने ट्रांसफर होना है, मेल गैमीट ने या फीमेल गैमीट ने? मेल गैमीट ने, ठीक है। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट एज सच नहीं उड़ते, पर पॉलन ग्रेन जाता है, ठीक है। मेल गैमीट तो उसके अंदर है, सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा कहां से, कहां से? पॉलन ग्रेन एंथर से, फ्रॉम द एंथर। कहां जाएगा? स्टेमन तो ये खुद ही है, यस, टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द स्टिकी एंड। मैंने जब फ्लावर का स्ट्रक्चर करवाया था, याद है? इट इज अ ट्रांसफर। देखो हमने कुछ भी रट्टा नहीं मारा, ठीक है। समझनी है बात, समझिए। ट्रांसफर हुआ कहां से? पॉलन ग्रेन का हुआ, कहां से? फ्रॉम द एंथर टू विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? टू द स्टिग्मा, विच इज द स्टिकी एंड, राइट? टू स्टिग्मा ऑफ। अब वैरायटी आती है। देखो आपके गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स लगे हैं, या तो सेम ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम ही स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, ठीक है। किसके स्टिग्मा के ऊपर गिरा, ये भी तो बताना है ना हमें। अपने ही फ्लावर के ऊपर गिर गया, तो दैट इज ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? और द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर उसकी स्टिग्मा पे गिर जाए, ठीक है। और द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और तीसरी वैरायटी ये भी हो सकती है कि प्लांट ही कोई दूसरा हो, फ्लावर भी दूसरा लेकिन प्लांट भी दूसरा, सेम प्लांट पे ना गिरे, है ना। प्लांट कोई और भी हो सकता है। सो और ऑफ द डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। सो दिस इज ऑल्सो द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होना है, ये हमें पता चल गया कि इट इज द ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब ये जो तीन वैरायटीज मैंने लिखी हैं, सेम फ्लावर, सेम प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर, या फिर प्लांट ही अलग, दैट गिव्स द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस फीचर इट प्रोवाइड्स द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? सेल्फ एंड क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन, and second is cross pollination. So now what is this self pollination or cross pollination? Two types hain, self pollination or cross pollination. Self, as the name says, same, kuch to same hona chahiye, theek hai. Kya kya same? Ya to same flower ho, ya to same plant, theek hai. So I take the just hypothetical view, मैं आपको दे रही हूँ। This is say I am taking two plants in a garden and I am studying the pollination in it, ठीक है। So if there is a flower, like let's say there are different flowers, ठीक है, ये different flowers हैं इनके ऊपर, having the leaves and everything, ठीक है। Hypothetical structures बनाए मैंने just to describe where the pollination is taking place and what is its type. ओके, दोनों समझाती हूँ मैं। अभी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, पहले मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब क्या कि एक फ्लावर है, इसी का एंथर, ठीक है, इसी के स्टिग्मा के ऊपर अपने पॉलन ग्रेन्स को शिफ्ट कर देगा, इसी के एंथर्स में से पॉलन ग्रेन्स निकले, इसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर गए। फ्लावर इज, फ्लावर इन वर्ल्ड इज ओनली वन सेम, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन।
ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, सेम फ्लावर है ना. सो दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर. ठीक है. सेकेंड आई से दैट इन द प्लांट ए द एंथर दैट हैज डिस्पर्स्ड देयर पॉलन ग्रेन्स इनटू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट द प्लांट वाज ए ओनली. ठीक है, यहाँ का एंथर इसने पॉलन ग्रेन्स फेंक दिए इसके ऊपर. ठीक है, ट्रांसफर कर दिए टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट. प्लांट तो वही है, प्लांट तो वही है. ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड कंडीशन. और द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यहाँ डिफरेंट कर दो, और द डिफरेंट फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, ये वर्ड ऐड कर दो यहाँ पे, डिफरेंट और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. नाउ दिस इज द सेकेंड कंडीशन, डेफिनेशन में हमारी सेकेंड कंडीशन आई. दिस इज व्हाट अगेन, कुछ तो सेम है, अगर सेम है तो वो सेल्फ है, कुछ भी सेम है तो वो सेल्फ है. ठीक है, तो ये भी कौन सी होगी, दिस इज अ सेकेंड टाइप, जो मतलब सेकेंड हमने टाइप्स मानी है, लेकिन सेकेंड कंडीशन जो पड़ी दैट इज सेल्फ अगेन. डन. नाउ द कंसेप्ट सेज इफ द एंथर्स दे आर डिस्पर्सिंग और दे आर ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट. प्लांट भी दूजा आ गया, ए वाले से एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स और फ्लाई होके बी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर गए. नाउ द फ्लावर इज ऑल्सो डिफरेंट एंड द प्लांट इज ऑल्सो डिफरेंट. दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी. सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाई आई एम राइटिंग दिस क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन डायग्राम, ये बना लो, आपको हमेशा के लिए याद रहे. ठीक है, पेपर में अगर आता है आपको सेल्फ पॉलिनेशन डेफिनेशन आती है, क्रॉस पॉलिनेशन डेफिनेशन आएंगी साथ साथ, पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछ के टू टाइप्स के नेम्स पूछ लेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आप साथ में ये सपोर्ट कर देते हो, इट हार्डली टेक्स अ मिनट एक्स्ट्रा, ये सपोर्ट कर देते हो, एक तो तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर लिखोगे, सही लिखोगे. ठीक है, और दूसरा तुम्हारा ये डायग्राम देखते ही समझ आ जाएगा कंसेप्ट क्या. ठीक है, नाउ इफ यू गेट टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बनाएंगे, द सेम डेफिनेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन टिल दिस, है ना. और लास्ट वाली कैटेगरी काट दो, क्योंकि थर्ड वाली सिर्फ क्रॉस दे रही है, बाकी तो सब कुछ सेल्फ दे रहा है ना. तो हमारी डेफिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन की क्या बनी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट्स इट, खत्म, है ना. अगर क्रॉस पॉलिनेशन की देनी हो तो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी काट दो, सीधी थर्ड लिख दो. क्या आया, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, फर्स्ट कैटेगरी काट दी मैंने, सेकेंड काट दी मैंने, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, थर्ड लिख दिया. ठीक है, so this is the definition, the definitions also the process. Now before happening of the fertilization there are five things that happen, panch cheeze hain pre fertilization changes mein aapne likhni hai. Likho, what are the various pre fertilization changes. Pre fertilization means that is the changes that takes place before fertilization happens. Fertilization hone se pehle क्या क्या चेंजेस होंगी. सबसे पहला आपने इसके पिछले क्या पढ़ा था, गैमीट फॉर्मेशन, है ना, वो पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. क्या हो रहा है, गैमीट बनेगा, पहले फर्स्टली द गैमीट हैज टू बी फॉर्म्ड, गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सेकंड, फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, है ना, थ्रू पॉलिनेशन इन प्लांट्स, बट दैट इज द सेकेंड स्टेप. बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, गैमीट ट्रांसफर हुआ. अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टिग्मास हैं उन्होंने सिर्फ पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर लिया, से ये स्टिग्मा है और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन रिसीव हुआ, अभी तक सिर्फ इतना हुआ है ना. पर अब आगे क्या होगा, अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है हमारे पास. जैसे मैंने अभी बोला कि देयर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज अ स्टिग्मा स्टाइल एंड द ओवरी, ये स्टिग्मा है ना, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन रिसीव हो गया. अभी तो हमने ये किया ना स्ट्रक्चर सिर्फ, राइट. अब पॉलन ग्रेन कोई एक थोड़ा ना गिरा होगा इसके ऊपर, मतलब आपके गार्डन में कितने सारे फ्लावर्स हैं,
रोज है, लिली है, पिटूनिया है, शोफ्लावर है, सनफ्लावर है, ठीक है, कितने सारे गार्डन में लगाए, तो उनके सबके पॉलन ग्रेन्स भी तो उड़ेंगे, अगर विंड पॉलिनेशन से हुए तो वो भी तो यहाँ पे आके लगेंगे। तो लेकिन जर्मिनेट कौन करेगा? ऐसा थोड़ा ना होता कि हर बार हमें एक न्यू टाइप ऑफ प्लांट नजर आता है, हमेशा ऐसे क्यों होता है? बिस्कस ने बिस्कस के साथ क्रॉस पॉलिन जो भी पॉलिनेशन दिया, ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे थर्ड फैक्टर आता है, दैट इज ऑफ सेल्फ कंपैटिबिलिटी, दैट इज द थर्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब क्या है? व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन्स कि जो पॉलन ग्रेन यहां गिरे हैं, से ये हिबिस्कस का है, ये रोज का है, ये सनफ्लावर का है, और जो फ्लावर है वो हिबिस्कस का है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ठीक है। अब ये सब क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे फॉल हुए, इन्होंने कुछ केमिकल्स रिलीज करने, ये केमिकल्स प्लस ओवरी भी केमिकल्स रिलीज कर रही है, ठीक है। केमिकल्स की तरफ वो वाले केमिकल्स सिर्फ अपना रिस्पॉन्स दे पाएंगे जो सेम प्लांट के होंगे, है कि नहीं? केमिकल्स तो वही सेम है, है ना? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलाई एक्सेप्ट द वन विच इज इन कॉमा और पैरालिटिक कंडीशंस, वो तो चलो एक्सेप्शन है ना, अदरवाइज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रिस्पॉन्स देता है, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स है। आप लोगों ने देखा ना कि कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर होता है, उसका सन के राइज होते होते हेड ऊपर हो जाता है, फिर वो सन के साथ साथ घूमता है, फिर जब सनसेट हो जाता है उसका हेड ऐसे नीचे हो जाता है, देखा है ना? तो वो रिस्पॉन्सेज है, टच में नोट को टच करोगे तो फटाफट से हाथ पीछे आप उसको टच करते हो, उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, है ना? तो वो क्या, वो रिस्पॉन्स है। तो ये भी एक रिस्पॉन्स है प्लांट्स देते हैं, जहां पे अगर दोनों के पॉलन ग्रेन और इसके केमिकल्स सेम होंगे तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। दिस फिनोमिना ऑफ मैचिंग द केमिकल्स इज कॉल्ड एज सेल्फ कंपैटिबिलिटी। तो तीसरा क्या आता है इसकी सीरियल में? सेल्फ कंपैटिबिलिटी, ठीक है। चेक किया सेल्फ कंपैटिबिलिटी, लेट मी कंप्लीट, एंड देन इसके बाद क्या हुआ? एज अ रिस्पॉन्स उसने क्या किया? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया। सो यहाँ पे फोर्थ क्या आएगा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन से पहले के काम बता रही हूँ। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी तो कहां तक जाएगी? ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक, या कैसे भी ओव्यूल को एंटर करेगी, है ना? सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप, इट्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंटर हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हैपन होगा। गेटिंग? सो दीज आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन हैपन्स, ओके। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओके। एनी डाउट? फोर्थ इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब।